मारुति पर भरोसा आप कर सकते हैं। बिना किसी वजह के लोग अर्टिगा छोड़कर रिम्यून की तरफ रुक कर लेते हैं। वो बता देता है कि भाई आप टोयोटा गाड़ी में जा रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी इसमें कूट कूट कर भरी होगी। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और इस समय मेरे साथ टोयोटा की रिम्यून है और इसके अपने बहुत सारी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को यानी कि देश में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों की पहली पसंद है इनोवा क्रिस्टा। इनोवा से जो बुनियाद रखी थी टोयोटा ने, उसे हर किसी ने पसंद किया और उसको सबसे ज़्यादा बुनाया किसने? मारुति ने। मारुति ने उस गाड़ी को टक्कर देने के लिए बजट में अर्टिगा को पेश किया और उस अर्टिगा ने जो बाज़ार कैप्चर किया है वो नेक्स्ट लेवल का रहा है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा वक्त और बीता, कहानियाँ बदली, ज़माने में बहुत सारी हलचल हुई और अब टोयोटा के पास में वही अर्टिगा रिम्यून के नाम से है। लगभग 2200 किलोमीटर अंकित हो चुके हैं इस गाड़ी के ओडोमीटर पर। तो आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको जब बजट बना रहे हैं 10 से 14 लाख रुपए के आसपास, तो वहाँ पर क्या ये रिम्यून खरीदनी चाहिए, अर्टिगा खरीदनी चाहिए या फिर कहीं और मुड़कर देखना चाहिए, ये कितनी प्रैक्टिकल कार है और क्या आपको पसंद आना चाहिए जो टोयोटा का ये फैसला था जहाँ पर अब अर्टिगा इस नाम से बिकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस रिम्यून के बारे में और ये दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है और वो जगह कौन सी है जहाँ पर आपको अर्टिगा छोड़कर इसे चुनना चाहिए। तो चलिए भैया रिम्यून के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप अर्टिगा के बारे में सोच रहे हैं तो टोयोटा की इस रिम्यून की तरफ आपको क्यों रुख करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को टोयोटा का बैच पसंद होता है और आपको बता दूं जो कीमत है जस्टिफाइड है, मतलब 14 लाख रुपए तक आप जाएंगे, 10 लाख के आसपास शुरू होती है। ये एक शोरूम कीमत की बात कर रहा हूँ। 6 वेरियंट आपको मिल जाते हैं, कई सारे रंगों के विकल्प आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। जो ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं ऑटोमेटिक 6 स्पीड इसमें मिलता है और यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है CNG के साथ और पेट्रोल के साथ में अवेलेबल मिलेगी ये गाड़ी। पावर आउटपुट आप सबको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं क्योंकि CNG के आस में आपको 100 PS के आसपास पावर आउटपुट देती है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो किया था, आपने 100% देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पर दे रहा हूँ, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो जब आप रिम्यून की तरफ रुख करेंगे तो एक तो लोगो जब आपको शुरू में नज़र आ जाता है टोयोटा वाला, वो बता देता है कि भाई आप टोयोटा गाड़ी में जा रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी इसमें कूट कूट कर भरी होगी। और पता नहीं क्यों जब इस गाड़ी को मैं बैठता हूँ, मतलब आगे से आके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी टोयोटा का लोगो मिल जाता है, तो ये ना अलग ही फीलिंग देता है। मुझे लगता है कि गाड़ियों में बहुत सारी इमोशनली चीज़ें अपने आप कनेक्ट हो जाती हैं और यही वजह है कि बिना किसी वजह के लोग अर्टिगा छोड़कर रिम्यून की तरफ रुक कर लेते हैं। उनको लगता है कि जब गाड़ी खरीदनी ही है तो क्यों ना टोयोटा के बैच से लिया जाए। वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि जो इनका सर्विस एक्सपीरियंस होता है टोयोटा वाला, जो रिलायबिलिटी है, उस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जब वारंटी वगैरह की बात करते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है अलग रहता है। टोयोटा में आपको जो भरोसा मिलता है उसकी कहानी अपने आप ही बहुत सारी गाड़ियां कहती हैं। हालांकि इसमें आपको पूरे की पूरी मारुति की क्वालिटी मिलने वाली है, तो जिनको लगता है कि मारुति अच्छी गाड़ियां नहीं बनाता है, टोयोटा के इस गाड़ी के एक्सपीरियंस से अंदाज़ा लगा लेगा कि भैया आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मारुति पर भरोसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिम्यून की तरफ जब आप रुख करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये फैक्टर दिमाग में रखने चाहिए, जो सस्ता मिले वो लेना ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है इसके साथ में जो आपको वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए जब आप ये गाड़ी खरीदने जाओ, चाहे अर्टिगा, अगर आप अर्टिगा देख रहे हो, अर्टिगा और रिम्यून को लेकर कन्फ्यूज़ हो, तो वहाँ पर आप कंपेयर करना कि किन किन वेरियंट में आपको मिले, क्योंकि वेरियंट आपको ज़्यादा वहाँ पर मिलने वाला है। क्या क्या आपको वैल्यू एडिट मिल रहा है, क्या क्या आपको वैल्यू एडिशन मिल रही है इस गाड़ी में जब आप टोयोटा से ले रहे हैं या फिर जब आप मारुति से ले रहे हैं, तो उन सब के आधार पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बढ़िया गाड़ी होगी। रिम्यून चला रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ जानता हूँ कि भैया जब आप 7 सीटर 6 सीटर गाड़ी का रुख करते हैं, आपको चाहिए होती है कि भैया आपका परिवार बड़ा है, तो वहाँ पर ये सबसे इकोनॉमिकल साबित हो जाती है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। और ये चीज़ बहुत सारे, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में आती है और अच्छी लगती है। 7 सीटर गाड़ियाँ बहुत सारी कंपनी ने ट्राई की हैं, तो जैसे अभी आप अगर विकल्प में तलाशने की कोशिश करोगे तो सिट्रोइन मिल जाएगी, सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस भी आपको 7 सीटर विकल्प के साथ में मिल जाएगी, साथ में वहीं पर आपको ट्राइबर जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं। हालांकि जब कीमत आप मैच कराने की कोशिश करोगे तो इस कीमत के आसपास आपको जस्टिफिकेशन सिर्फ एक गाड़ी और देगी, वो है किया की कैरेंस।
और किया की करेंस से ज़्यादा बेहतर लोग ज़्यादा भरोसा इस गाड़ी पे करते हैं, उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो उन्हें आफ्टर सेल्स नेटवर्क तगड़ा मिल जाता है अर्टिगा का, और रिम्योन में भी सेम चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जब आपके सामने होती हैं, आप एक सिलेक्शन पर बैठते हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी अभी भी सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि बहुत कुछ अलग कहानी कह देती है। टैक्सी फ्लीट में इतनी भर भर के गाड़ियाँ मिलती हैं, मतलब वहाँ पर तो प्रीमियम, अगर आप ओला उबर बुक करोगे तो प्रीमियम में आती है गाड़ी, तो आप समझ सकते हैं। सेडान भी नहीं, मतलब कई बार प्रीमियम सेडान में आ जाती है, ऐसे टाइप की चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है और भरोसे का प्रतीक है इस गाड़ी में। देखो, मैं तो इसको 5 लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है जो कि 7 लोग के साथ भी ट्रैवल करते हैं। बूट में फिर बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती है, पर फिर भी एक दो बैग तो आ जाता है इस गाड़ी में। तो अपने साइज, अपनी कीमत, अपने ट्रांसमिशन, अपने पावर और साथ में अपने सेल्स नेटवर्क की वजह से ये गाड़ी हमेशा फ़ायदे का सौदा रही है। और इससे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कोई मुड़ के नहीं देखता है जब तक कि लोगों की नज़र इसके लोगों पर नहीं पड़ती है। सबको पता चल जाता है कि वो अर्टिगा लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब लोगों की तरफ रुख करते हैं तो उनको पता चल जाता है टोयोटा की गाड़ी है। फिर वो पूछते हैं कि भैया टोयोटा की ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि रिम्योन उतनी फेमस नहीं है जितनी फेमस है अर्टिगा। और ये अपने आप, ये जो अंतर है आप अपने आप समझ सकते हैं, लेकिन उनका टाई अप है तो बहुत सारी गाड़ियाँ वो मारुति की लॉन्च कर दे रहे हैं। और अभी टोयोटा की कोई बड़ी गाड़ी इन्होंने जो लॉन्च की है वो हाई क्रॉस जो है इनविक्टो के रूप में आपको नज़र आती है, बस वो लॉन्च किया है मारुति ने। बट मारुति के बहुत सारे प्रोडक्ट को ये लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं भारतीय बाज़ार में, और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो टोयोटा की तरफ मुड़ जाते हैं। और शायद यही मकसद भी रहा था कि टोयोटा के भी अपने नंबर्स बने रहेंगे और लोग भरोसा करके वहाँ से गाड़ी ले लेंगे। जो कम्फर्ट मुझे मिलता है काफ़ी अच्छा है, विंडो एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाता है। रियर सीट पर मैं बैठता हूँ तो मुझे कंफर्ट मिलता है। एसी बहुत ही अच्छा है, जो रियर सीट पे बैठता है बंदा, इवन थर्ड रो में भी बैठता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। गर्मियाँ आ गई हैं और इस बात को अच्छे से बताया जा सकता है। मैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को चला रहा हूँ तो शिफ्टिंग बहुत ईजी है, और इस गाड़ी के साथ में अंडर पावर्ड फील नहीं होती है, क्योंकि मैं इसे परफॉर्मेंस कार मानता ही नहीं हूँ। मैं परफॉर्मेंस के तरफ रख कर इसे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवहारिकता के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 7 सीटर में आपको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट सिर्फ 15 लाख रुपये तक है, 10 से 15 के बीच में, तो इस गाड़ी की तरफ रुक कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस चाहिए तो टोयोटा की तरफ जाइएगा, नहीं तो फिर आपको अर्टिगा लेने में कोई बुराई नहीं है। सीएनजी के साथ में, मतलब इतनी लंबी चौड़ी वेटिंग हो गई है सीएनजी रिम्योन अगर आप खरीदना चाहेंगे कि वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल रही है गाड़ी, जो वो लोग हैं शायद जो पहले बुक करवा के बैठे हुए थे, और हो सकता है कुछ जुगाड़ वगैरह भी चलता हो। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि लोग बोलते तो हैं बट जब मैं उनसे प्रमाण मांगता हूँ कि आपने भैया कैसे दिया, चलो क्या किया आपने जिससे आपको गाड़ी जल्दी मिल गई, तो कोई नहीं बताता है, तो उस पर नहीं पड़ने का। बट मुझे लगता है टोयोटा अपने चीज़ों से लोगों का दिल जीत रही है। साउंड क्वालिटी अच्छा है, आपको ही मारुति वाला इसमें साउंड सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, साथ में बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील है जिसपे आपको क्रूज कंट्रोल और ये सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। टॉप वेरियंट की बात कर रहा हूँ उसमें मिलने वाला है। विंडो एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बैठ कर जब ड्राइव कर रहा हूँ तो ये जितने भी हैं, इस पर ORBM जो लगा हुआ है दोनों काफ़ी अच्छे से मतलब विजिबिलिटी दे देता है। IRBM भी अच्छे से काम कर देता है, हालांकि ये ऑटो डिमिंग होता तो अच्छा रहता है, बट ऑटो डिमिंग नहीं दिया है, यहाँ पर सनरूफ वगैरह नहीं आता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक प्रैक्टिकल गाड़ी है जहाँ पर आपको अपने परिवार को खुश करना है, और आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें दोस्त फैमिली जिनको आप ऑफर करना चाहें वो बैठ जाएं। ये ना हो कि सिर्फ मियाँ बीवी बैठ कर अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो ये परिवार वालों की गाड़ी है और परिवार वालों को पसंद आ रही है। और रिम्योन की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो मुझे लगता है उसकी वजह यही होगी कि आपको टोयोटा पसंद है, इस तरफ बढ़ जाइएगा। परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ वही है, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा शिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, तो इसका ट्रांसमिशन मुझे पहले से ही पसंद रहा है। इसका जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो भैया मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी है, और मुझे लगा टोयोटा के बैज के साथ भी आकर अच्छा किया है इस अर्टिगा ने, हालांकि ये अर्टिगा ही है पर रिम्योन का रिव्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं मेरी बात में जो मैंने नहीं बताया है, तभी आप अपना कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसके जिसके पास अर्टिगा है उनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जब इस वीडियो को लोग देख रहे होते हैं, खास करके जब कमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मदद मिल जाती है एक सही फैसला लेने के लिए। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब आप अर्टिगा चला रहे हैं, क्योंकि वो आप
कि बहुत सारे दोस्तों को हेल्प करने वाला है, और यहाँ पर यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह भर भर के मिलते हैं, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। और चलते चलते ही बता दूं कि लाइट का जो फ्लो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लाइट से आप परेशान नहीं होने वाले हैं, और सामने से जो चेंजेस हैं वो बता देते हैं इसके कि ये रूमियान है। तो टोयोटा की रूमियान या आर्टिगा, अब आपको फैसला लेना है। मेरे तरफ से अगर मुझसे पूछेंगे क्या खरीदना है, तो मैं तो रूमियान उठा लाऊंगा।